हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। तो आज मैं आप लोग के साथ मेरा मेकअप एंड कॉस्मेटिक हाउल एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं ये सारे जो प्रोडक्ट हैं यूज करती हूँ डेली यूज में। तो लैक्मे का ये पीच मिल्क मॉइस्चराइजर है और ये जॉनसन बेबी लोशन है और ये वैसलीन का जो इंटेंस केयर बॉडी लोशन है और ये पैरासूट का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। ये मुझे बहुत पसंद है ये हेयर ऑयल। और उसके बाद डाबर गुलावरी जो है उसको मैं यूज करती हूँ कभी कभी। और ये पतंजलि का ब्यूटी क्रीम है लेकिन इसको ख़रीद के मतलब ये बहुत स्टिकी है तो इसको यूज नहीं करती हूँ। और लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस का नाइट क्रीम है, इसको यूज करती हूँ। और ये लैक्टोकोलामाइट है, इसको भी कभी कभी यूज करती हूँ। और ये जो लैक्मे का जो पीच मिल्क है दोनों मॉइस्चराइजर। और ये लिवोन का हेयर सीरम है। और उसके बाद जो है ये जॉनसन बेबी पाउडर है तो इसको भी लगा लेती हूँ कभी कभी अगर। और पॉन्स ऑयल कंट्रोल का पाउडर उसको यूज करती हूँ। और ये बीबी क्रीम है, कभी अगर बाहर गए तो इसको अप्लाई करती हूँ। और मैं नेल पेंट रिमूवर लैक्मे का यूज करती हूँ। और एक ग्लिसरीन विंटर में बहुत हेल्प करता है, आप बॉडी में, लिप्स में, लेग में, हर जगह लगा सकते हैं थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके। और ये लोटस का जो सीरम है इसको यूज करती हूँ। और मैं फेस वॉश के लिए लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो और न्यूट्रीजिना का डीप क्लीन जो है फेस वॉश यूज करती हूँ। और ये हिमालय का नीम फेस पैक है, इसको कभी कभी यूज करती हूँ। और बेबी लिप्स मेबलिन का बेबी लिप्स और ये काजल हिमालय का। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं डेली लाइफ में यूज करती हूँ। और मैं ये ब्लैक कलर का आईटेक्स का जो बिंदी रहता है उसको यूज करती हूँ। और मेरे पास ये एलेटिन का लिपस्टिक है और ये लैक्मे का है। और ये थोड़ा दिन पहले मैं ख़रीदी थी, अभी ख़रीदी नहीं हूँ। और ये सारे जो हैं और ये लैक्मे का जो आईलाइनर है इसको अगर कभी बाहर गई तो लगाती हूँ। तो इसको कैसे मैं अरेंज करके रखती हूँ, एक छोटा सा बास्केट है, ये सारे प्रोडक्ट को मैं इस बास्केट में अरेंज करके रखती हूँ और ताकि मतलब इधर उधर नहीं हो जाए। और इसको आप लोग बास्केट में रख के ड्रेसिंग टेबल में रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ रखने के लिए एक छोटा सा बास्केट यूज करने से बहुत हेल्प होता है। तो सारे जो प्रोडक्ट हैं डेली यूज में जो यूज करती हूँ उसको मैं इस बास्केट में रखती हूँ। और जो लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट हो गया और ये सबको मैं, ये छोटा सा एक शू बॉक्स है तो मैं इसमें रखती हूँ। सारे जो नेल पॉलिश हो गया, क्योंकि ये सब तो डेली यूज नहीं होता, कभी कभी यूज होता है तो इस सबको रख के उसका जो कवर है उसको लगा लेती हूँ। तो अगर आप लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो सामान जो है, चीज़ें जो है, आसानी से आप जब ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा और इधर उधर भी नहीं होगा। तो इसका जो कवर है मैं इसको इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि इसके ऊपर भी आप लोग ऐसे बास्केट है या कुछ भी रख सकते हैं। और मेरे पास ये कुछ जो ज्वेलरी हैं और ये है बैंगल्स, मुझे ऐसे स्टोन वाला बहुत पसंद है। तो इसका 4-5 टू है मेरे पास, अभी दिखा रही हूँ। एक बिंदी है और ये है वाइट कलर का एक बैंगल्स जो बहुत सुंदर लगता है मुझे। इसमें चूड़ी मोती लगा हुआ है और ये इसका 6 सेट था। और
ये टू रेड कलर का बैंगल्स स्टोन लगा हुआ है और ये जो है बैंगल्स इसको मुझे बहुत ही पसंद है। तो कभी अगर पार्टी वार्टी होता है तो इस सबको मैं पहनती हूँ साड़ी के साथ मैचिंग करके। तो मैं अभी दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये एक कुंदन सेट है, तो ये सब कभी कभी यूज करती हूँ तो इसलिए मैं ये सब को इस तरीके का एक मैं छोटा सा जो रेड कलर का मेरे पास ये बॉक्स है जो मैरिज में कोई हम लोग को गिफ्ट किया था मेकअप बॉक्स, तो सारे चीज़ को मैं ऐसे अरेंज करके इसमें रखती हूँ। और ये ब्लस एंड आई में और ब्लस जैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा मिरर भी है, तो कोई मुझे ये गिफ्ट दिया था हम लोग के मैरिज में, तो ये मैं रखी हूँ और ये बहुत यूजफुल है। और ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैं अपना जो सारे क्लचर है उसको रखती हूँ और ये कुछ रबर है, रबर बैंड, और इसमें इसे पार्टीशन है तो इसमें आप लोग चाहें तो कुछ अलग भी चीज़ रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अरेंज करके रखती हूँ मेरे जो सब सामान है मेकअप का और कॉस्मेटिक सामान जो है, इस तरीके से मैं अरेंज करके रखती हूँ ताकि सारी चीज़ जब भी ढूँढें तो अच्छे तरीके से मिल जाए। और इस सब को आप लोग ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कमेंट करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।